तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 जून 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी मांग सकती है भरण पोषण। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, महिला वो स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए हकदार है जैसा पति के साथ था तलाक से पहले। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नए फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का है। वहीं बताया गया, मुस्लिम विवाह में महिला पति से तब तलाक ले सकती है जब पति गैर जिम्मेदार हो या मारपीट करता हो या उसे सताता हो, पत्नी का भरण पोषण न करता हो, यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो न देता हो, या नपुंसक हो, या वो अगर मानसिक रूप से अस्थिर न हो। ये वो सभी कारण है जिसमें मुस्लिम महिला पति से तलाक ले सकती है। और अब तो हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि मुस्लिम महिला तलाक हो जाने के बावजूद भी भरण पोषण मांग सकती है, यानी कि जिंदगी गुजारने की जरूरी चीजें। देखिए अगली खबर, रात में ज्यादा जगने से नशे की आदत लग सकती है, वहीं जल्दी मौत होने की आशंका 9% बढ़ जाती है। जी हां, एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं उन्हें गलत चीजों की लत लग जाती है, जल्दी मौत होने की आशंका आम आदमी के मुकाबले 9% बढ़ जाती है। वहीं एक और बात सामने आई है कि रात में देर तक जागने वालों का फिटनेस लेवल काफी कम होता है। वहीं रात में जल्दी सोने वालों की तुलना में फिजिकल एक्टिविटी करने पर उनका फैट भी कम बर्न होता है। देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अनुमान। यूपी में गई 5 लोगों की जान। वहीं असम के 22 जिलों में बाढ़ आने की वजह से 5 लाख लोग हुए हैं प्रभावित, 1300 गांव डूब गए हैं। जी हां, भारत में 7 दिन देरी से आया मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम बिहार पहुंच गया है। वहीं अगले 3 दिनों में मॉनसून यानी कि बारिश के मौसम के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो इन तीनों ही राज्य में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा अगले 3 दिनों में। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 26 जून तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बताया गया, यूपी में बीते 24 घंटे में बारिश वगैरह की वजह से जो हादसे हुए हैं उनमें 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं बताया गया, असम में बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। 22 जिलों में बाढ़ आ जाने की वजह से 1366 गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से लगभग 5 लाख लोग परेशान हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि आने वाले 4 दिन के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तराखंड में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई गई है आने वाले 4 दिनों के लिए। दोस्तों आइए आपको इसी कड़ी में लगे हाथों बताते हैं कि आज 24 जून 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यानी कि आज खास 24 जून को। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, तेलंगाना में, कोंकण में और गोवा में, साथ ही में तटीय कर्नाटक में और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं बताया गया, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के तलहटी वाले इलाकों में, साथ ही में तटीय कर्नाटक में, केरल में और तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही में जम्मू कश्मीर में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बताया गया, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र और कच्छ को छोड़कर बाकी देश में हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ को छोड़कर लगभग पूरे देश में आज बारिश होगी। देखें अगली खबर, एप्पल भारत में लॉन्च करेगा अपना पहला क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक के साथ है पार्टनरशिप का प्लान, इसमें लेट पेमेंट फीस नहीं लेगी कंपनी। जी हां, टेक कंपनी एप्पल जल्द ही भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड एप्पल कार्ड लॉन्च करेगी। मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एप्पल भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान बना रही है। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में एप्पल कंपनी पेमेंट लेट होने पे किसी भी तरह की फीस नहीं लेती है। बताया जा रहा है कि भारत में कंपनी यही वाला सिस्टम ला सकती है। देखें अगली खबर, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में होली बैन का ऑर्डर हुआ वापस, आलोचना के कारण फैसला एक ही दिन में बदला। जी हां, पाकिस्तान के उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में होली समारोह मनाने और खेलने पर रोक लगाने का नोटिस एक ही दिन में वापस ले लिया है। इसे अभी हाल ही में बीते बुधवार को जारी किया गया था। इसकी देश भर में कड़ी आलोचना हो रही थी कि क्यों आखिर कॉलेज में या स्कूलों में होली खेलने के लिए मना किया गया है और रोक लगाई गई है। तो बताया गया, आलोचना होने की वजह से पाकिस्तान के उच्च शिक्षा विभाग ने अपना फैसला पलट दिया है, यानी कि पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में जो भी छात्र चाहें वो होली खेल सकते हैं। इसकी वजह से काफी सारे लोग बहुत खुश हो गए हैं। देखें अगली खबर, ऑफ एयर होने वाला है द कपिल शर्मा शो। आखिरी दिन मस्ती भरे अंदाज में दिखी पूरी टीम, फोटो जाई है सामने सोशल मीडिया पर। जी हां, द कपिल शर्मा शो ऑफ एयर होने जा रहा है। टीम ने इस सीजन का आखिरी एपिसोड अभी हाल ही में बीते गुरुवार को शूट किया है। शूटिंग के आखिरी दिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। शो में बिंदु का किरदार निभाने वाली सुमोना चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर की है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, शो के ऑफ एयर होने का ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको द कपिल शर्मा शो देखने को नहीं मिलेगा। बात यह है कि बीच में कुछ ब्रेक लिया जा रहा है, यानी कि द कपिल शर्मा शो का जल्दी अगला सीजन शुरू हो सकता है। देखिए अगली खबर, पहले हफ्ते के खत्म होते होते पस्त हो गई है आदि पुरुष मूवी। 7वें दिन कमाई हुई केवल 5.5 करोड़ रुपए। जी, आदि पुरुष मूवी ने रिलीज के 7वें दिन यानी कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है इंडिया के अंदर। वहीं सभी भाषाओं को मिलाकर फिल्म ने अब तक 260 करोड़ और 55 लाख
लाख रुपए की कमाई की है इंडिया में। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो आदि पुरुष मूवी ने 7 दिनों में 420 करोड़ रुपए की कमाई की है। आपको बता दें मूवी ने पहले दिन 86 करोड़ और 75 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन अब वही कमाई घटकर 5.5 करोड़ रुपए पे आ गई है। जाहिर बात आदि पुरुष मूवी को लेकर देश के बहुत सारे लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आदि पुरुष मूवी में रामायण का अपमान किया गया है। बाकी दोस्तों आज आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि आदि पुरुष मूवी में रामायण का या फिर रामायण में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनका अपमान किया गया है या अपमान नहीं किया गया है, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, गूगल ने आईफोन 14 प्रो का मजाक उड़ाया। गूगल ने अपने फोन पिक्सल को बेस्ट बताया। इस फोन में मिल रहा है बैटरी शेयरिंग का भी फीचर। जी हां, टेक कंपनी गूगल ने बेस्ट फोन फॉर एवर नाम से एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया है, यानी कि एक प्रचार रिलीज किया है। इसमें गूगल ने एनिमेशन के जरिए अपने अलग अलग स्मार्टफोन की तुलना एप्पल के आईफोन से की है। इसके साथ ही कंपनी ने आईफोन का मजाक उड़ाया है। लाइफ सेवर टाइटल वाले एडवर्टाइजिंग वीडियो में गूगल पिक्सल फोल्ड और आईफोन 14 प्रो एक साथ समुद्र तट के किनारे दिखाए गए हैं। जब आईफोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो गूगल पिक्सल 7 के बैटरी शेयरिंग के फीचर के जरिए आईफोन अपनी बैटरी चार्ज करता है। इसी को बताया जा रहा है कि गूगल ने आईफोन का मजाक उड़ाया है कि एप्पल के फोन की बैटरी लो हो गई, तब उसे गूगल पिक्सल ने जिंदा किया। देखें अगली खबर, जिस पनडुब्बी की वजह से अरबपतियों की जान गई, उसके एक टिकट की कीमत है 2 करोड़ रुपए। जी हां, टाइटन नाम की पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है। ओशन गेट कंपनी ने बताया है कि टाइटन पे सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई है। इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों में से 4 लोग अरबपति थे और एक कारोबारी था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार शाम तक पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका जताई थी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको झटपट से बता दें, आज से करीब 111 साल पहले यानी कि 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का बड़ा जहाज, या कह लें उस समय का सबसे बड़ा जहाज डूब गया था। करीब 1500 लोगों की जान चली गई थी। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। फिर 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। अभी हाल ही में बीते 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो इसी कंपनी की है। इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए आशंका जताई गई है कि उसमें ब्लास्ट हो गया, यानी कि पनडुब्बी में, और सभी लोगों की जान चली गई। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक के मुताबिक, जिनको समुद्र के अंदर की चीजें देखनी अच्छी लगती हैं, तो इसी शौक के शौकीन थे वो 4 अरबपति और एक कारोबारी जिनकी अभी हाल ही में जान चली गई है। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर, अंडरग्राउंड होने के बाद आतंकी पन्नू का आया नया वीडियो। कहा कनाडा में मारे गए निज्जर का हम बदला लेंगे। वहीं पीएम मोदी को भी दी है मारने की धमकी। जी हां, कनाडा के सरी में मारे गए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद अंडरग्राउंड हो चुके सिख फोर्स जस्टिस के आतंकी गुरप्तवन सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी पन्नू अपने साथी आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लेने की बात कह रहा है। उसने प्रधानमंत्री मोदी को भी मारने की धमकी दी है। देखें अगली खबर, पाकिस्तान के पीएम और वित्त मंत्री का वीडियो हो रहा है वायरल। शहबाज ने महिला अफसर को बारिश में छोड़ दिया। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने पत्रकार को थप्पड़ मारा। जी नए कर्ज की तलाश में फ्रांस पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शहबाज मीटिंग में वेन्यू पे पहुंचते हैं, यहाँ तेज बारिश हो रही थी। कार के गेट पे वुमन प्रोटोकॉल ऑफिसर छाता लेकर खड़ी थी। कार से उतर के शहबाज उसे छाता लेते हैं और बिना उसको साथ लिए अकेले ही मीटिंग हॉल में पहुँच जाते हैं। महिला अफसर भीगते हुए पीछे पीछे जाती है। वही एक दूसरा वीडियो इस्लामाबाद का है। इसमें एक पत्रकार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार से IMF से कर्ज न मिलने पे सवाल पूछता है, तो जवाब में वित्त मंत्री जवाब नहीं बल्कि पत्रकार को ही थप्पड़ मार देते हैं। देखें अगली खबर, विपक्षी एकता बैठक के बाद केजरीवाल अपनी बात पर अड़े। कहा अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ करे, नहीं तो उसके साथ किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। जी हां, पटना में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक हुई। बैठक होने के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के काले अध्यादेश पे अपना रुख साफ करे कि वो हमारे साथ है या नहीं, नहीं तो उनके साथ हम किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को बीजेपी की जो विपक्ष पार्टियां हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बिहार की पार्टी, तो इन सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को आपस में मुलाकात की, बैठक की। इसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी। असल में अभी ये सभी पार्टियां मिलकर ये प्लान बना रही हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी तरह से बीजेपी पार्टी को हरा दिया जाए। इसी की वजह से लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। तो इसी कड़ी में केजरीवाल ने कहा है कि अभी हाल ही में हमारे खिलाफ दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है, जो कि आने वाले दिनों में लोकसभा में पास करवाने के लिए पेश किया जाएगा बीजेपी की ओर से, तो इसके बारे में केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जब ये बिल लाया जाएगा तो हमारे साथ होगी या नहीं, पहले वो अपना रुख साफ करे और न हम किसी भी बैठक में उसके साथ हिस्सा नहीं लेंगे। इसी कड़ी में एक और खबर आ रही है, शिमला में विपक्ष का महामंथन, मोदी सरकार को हराने की बनेगी स्ट्रेटजी। 2003 में भी शिमला मंथन के बाद बनी थी UPA सरकार। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कैसे किया जाए, इसकी रणनीति पहाड़ों की रानी शिमला में बनेगी। बिहार के पटना में बीते शुक्रवार को संपन्न विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद इसका ऐलान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग 10 से 12 जुलाई के बीच होगी।
होगी। इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल चर्चा करेंगे और ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सन 2003 में भी ऐसा ही एक मंथन हुआ था। उसके बाद यूपीए की सरकार बन गई थी, यानी कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। तो आने वाले दिनों में अब ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश भर की जो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं और हराने में तुली हुई हैं, तो क्या वो हरा पाएंगी या नहीं। हालांकि दोस्तों अब इन सब के बीच अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए अगली खबर में, अमित शाह ने कहा है पटना में विपक्षी एकता सिर्फ एक फोटो सेशन है। साथ ही में अमित शाह ने ये भी दावा किया है कि अगले साल 2024 में मोदी 300 से ज्यादा सीटें लाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बन पाएंगे या नहीं। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी से बोले लालू यादव, महात्मा जी अब शादी कर लीजिए, हम बारात में चलेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि आपने कह दिया है तो अब हो जाएगी। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने आपस में बैठक की, तो इसी बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आप महात्मा बन के घूम रहे हैं, अब तो शादी कर लीजिए। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर आपने कह दिया है तो अब हो ही जाएगी। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी से मिले गूगल, अमेजन और बॉइंग के सीईओ, जैसे बोले भारत में नौकरियों के सृजन के लिए उत्साहित हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। यात्रा के अंतिम दिन यानी कि बीते शुक्रवार को उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और अमेजन के सीईओ एंड्रयू जस्सी से मुलाकात की। आपको बता दें यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से भी मुलाकात की थी। अब इसी कड़ी में उन्होंने और दिग्गजों से मुलाकात की है, यानी कि सुंदर पिचाई वगैरह से। देखिए अगली खबर, इसी कड़ी में USISPF प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित, कहा अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी कैनेडी सेंटर में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग अमेरिका की विकास यात्रा में मजबूत स्तंभ हैं, आप अमेरिका के सपनों का हिस्सा हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकता है। इसी कड़ी में देखें एक और खबर कि पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का हुआ आयोजन, मोटे अनाज से बनी डिशेज, साथ ही में भरवा मशरूम परोसा गया। इस पार्टी में मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा समेत 200 दिग्गज हुए शामिल। जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी यानी कि उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। बीते शुक्रवार को अमेरिका में पीएम मोदी का तीसरा दिन था। इस मौके पे पीएम मोदी ने डिनर के लिए आभार भी व्यक्त किया। साथ ही बताया गया इस पार्टी में कई और बड़े दिग्गज शामिल हुए, जैसे कि मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, इसके अलावा भी और कई लोग। देखिए अगली खबर, अब आज से शुरू होगी पीएम मोदी की 2 दिन की मिस्र की यात्रा। इस दौरान पीएम मोदी एक ऐतिहासिक मस्जिद का दौरा करेंगे। जी प्रधानमंत्री मोदी आज से मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पे पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मिस्र के ऐतिहासिक मस्जिद अल हाकिम मस्जिद का भी दौरा करने वाले हैं। मस्जिद का निर्माण 990 सन में किया गया था, यानी कि ये मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी है। देखिए अगली खबर, सऊदी अरब में पड़ रही है भयंकर गर्मी, इसके बावजूद भी लाखों की तादाद में पहुंच गए हैं मुस्लिम हज करने के लिए। जी बीते शुक्रवार से हज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी सऊदी अरब में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी बताया गया सऊदी अरब में 160 देशों से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं हज करने के लिए। अभी वहां की रौनक आम दिनों के मुकाबले काफी हटके है, क्योंकि हर तरफ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। बताया गया सऊदी अरब में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी लगभग 2 लाख लोग वहां पहुंच गए हैं। देखिए अगली खबर, एक रोचक जानकारी कि कभी नहीं सोती हैं तितलियां और डॉल्फिन। जी हां, दुनिया भर में कई ऐसे जानवर है जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। इनसे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में हमें बहुत कम पता होगा। किसने सोचा होगा कि तितली कभी नहीं सोती है, या फिर फिश यानी कि डॉल्फिन को नींद ही नहीं आती है। बताया गया तितलियां कभी भी नहीं सोती हैं, बल्कि वो सिर्फ आराम करने के लिए एक खास जगह जाती हैं, जहां अपनी आंखें बंद करते ही बेहोश हो जाती हैं। वैज्ञानिक इसे सोना नहीं बल्कि आराम करना मानते हैं, क्योंकि इस समय उनका बॉडी टेम्परेचर और हार्ट बीट कम हो जाता है। वही बताया गया ब्लू फिश अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, जहां से वो दूसरे समुद्री तटों की ओर जाती है। इस दौरान वो बिल्कुल भी नहीं सोती है, खासकर वो तभी एक्टिव रहती है जब वो सोने की अवस्था में चली जाती है। वही बताया गया अल्पाइन स्विफ्ट असल में एक चिड़िया है, जो कि बिना लैंड किए 200 दिन तक उड़ सकती है। ये हवा में ही झपकी मारने की खासियत रखती है। वही बताया गया फ्रूट फ्लाई सिर्फ 4 मिनट ही सोती है, इन्हें फल मक्खी भी कहा जाता है। वही एक नई रिसर्च के मुताबिक जेलीफिश कभी नहीं सोती है, बल्कि आराम करने के लिए ऐसी अवस्था में चली जाती है कि उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। वही बताया गया बुल फ्रॉग एक तरह का मेंढक है जो कभी भी नहीं सोता है, इसके शरीर में एंटी फ्रीजिंग सिस्टम होता है। यही वजह है कि अगर ये बर्फ में भी जम जाए तो भी जिंदा रह सकता है। वही बताया गया डॉल्फिन को ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो लगातार पानी में तैरती रहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मछली कुछ समय के लिए अपने ब्रेन को आराम देती है, लेकिन सोती कभी भी नहीं है। देखिए अगली खबर, फिर शुरू होगा डीजल बसों का पंजीकरण, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, G20 को ध्यान में रखकर दी गई है मंजूरी। जी हां, दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी अनुमति दी है। परिवहन विभाग ने बीते शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देखिए अगली खबर, यूपी बोर्ड 9वीं से 12वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव, 5 नए महापुरुषों की जीवनी को जोड़ा गया है। जी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा की किताबों में महान हस्तियों की 50 नई जीवनियां जोड़ी हैं।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 50 नई हस्तियों में विनायक दामोदर सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन लाल, इसके अलावा भी कई और बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि UP के बोर्ड पर मिलेगी। देखिए अगली खबर, पंजाब में पेंशन धारकों पर टैक्स की मार, आम आदमी पार्टी सरकार सालाना 2400 रुपए डेवलपमेंट टैक्स वसूलेगी। कांग्रेस बोली, बदलाव के नाम पर ये लूट है। देखिए अगली खबर, फिर से सस्ता हुआ सोना चांदी, आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते शुक्रवार को फिर से सोने के दाम में 370 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 59,180 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी के दामों की, तो चांदी के दाम में भी 550 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 70,950 रुपए हो गई है। देखें अगली खबर, बस चंद दिनों में भारत फिर चांद पर भेजेगा चंद्रयान, इसकी तैयारियां हो गई हैं। जी न्यूज 18 की तरफ से ये खबर दी गई है कि जल्द ही चंद दिनों में भारत एक बार फिर से चांद पर चंद्रयान भेजेगा। देखें अगली खबर, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी ने निकाला पैदल मार्च, जोशी बोले भ्रष्टाचारियों पे कांग्रेस राज्य में नहीं होती कार्रवाई। यह राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से सिविल लाइन स्थित राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और कहा कि कांग्रेस के सरकार में यानी कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई वगैरह नहीं होती है। देखें अगली खबर, CID इंस्पेक्टर विवेक बने कॉलेज के प्रोफेसर, TV इंडस्ट्री छोड़ के यूनिवर्सिटी में शुरू किया पढ़ाना, 11 साल में काफी बदल गया है एक्टर का लुक, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 24 जून 2023 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।